हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। कैलकुलेटर से भी फास्ट आंसर आएगा। तो 102 गुना 104 ये हो जाता है 10,608। 109 गुना 105 इसका आंसर हो जाता है 11,445। उसी प्रकार 125 गुना 115 इसका आंसर हो जाता है 14,375। इतना ही फास्ट आंसर आप भी ला सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। 102 गुना 104, तो देखिए यहाँ पे 102 सौ से कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो 2 लिख देते हैं। उसी प्रकार 104 सौ से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 लिख देते हैं। आप या तो इस एंगल को लीजिए या इस एंगल को लीजिए, किसी भी एंगल को ले सकते हैं। मैं इस एंगल को लेता हूँ, 102 और 104, तो अब हमें इनको जोड़ देना है। 102 में 104 को जोड़ देंगे, तो देखिए 102 और 104 कितना हो गया, 106 हो गए। अब शुरू के 3 नंबर मिल गए हमें, अब लास्ट के 2 नंबर के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा 2 से कर देंगे, 4 का गुणा 2 से कर देंगे, तो ये आ जाता है 8। लेकिन हमें 2 नंबर चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए हम 08 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया 10,608, कैलकुलेटर से भी फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 109 गुना 105, तो देखिए 109 सबसे कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 लिख देते हैं। 105 कितना अधिक है, 5 अधिक है। इस एंगल को लो या इस एंगल को ले लो, किसी भी एंगल को लेते हैं, तो हम इस एंगल को ले लेते हैं, 109 और 105 को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 114। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 114, और अब इनका गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 45, 9×45। ये देखिए ये हमारा आंसर है, बहुत ही फास्ट, रॉकेट की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हमें 106 का गुणा 110 से करना है, तो देखिए 106 सौ से कितना अधिक है, 6 अधिक है। उसी प्रकार 110 कितना अधिक है, 10 अधिक है। इस एंगल को ले लो या इस एंगल को ले लो, किसी भी एंगल को ले सकते हैं हम, तो देखिए हम इस एंगल को ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 116। 106 और 110 16 हो गया। अब 10 का गुणा 6 से कर देंगे तो क्या आ जाता है, 10×60। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे 112 का गुणा 103 से करना है, तो देखिए ये कितना अधिक है, 100 से 12 अधिक है, ये 3 अधिक है। इस एंगल को ले लो या फिर इस एंगल को ले लो, हम इस एंगल को ले लेते हैं 103 और 112 को, तो ये हो जाएगा 115। अब 12 का गुणा 3 से कर दीजिए, 12 दिया 36। देखिए कितना फास्ट आंसर आ गया, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 117 का गुणा 109 से करना है, तो देखिए 117 कितना अधिक है, 100 से 17 अधिक है। उसी प्रकार 109 9 अधिक है 100 से, इसको ले लो या फिर इस एंगल को ले लो, हम इस एंगल को ले 117 और 9 को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 126। तो ये आ गया 126। उसी प्रकार 17 का गुणा 9 से कर देंगे तो ये हो जाता है 153। लेकिन ये आंसर नहीं आया है, हमें यहाँ पे 2 नंबर्स चाहिए थे लेकिन यहाँ 3 हैं, तो देखिए क्या करेंगे, इसके लास्ट के 2 नंबर्स ले लेंगे। लास्ट के 2 नंबर 5 और 3 को ले लेते हैं हम, और एक को कैरी कर लेंगे। तो देखिए 5 3 और 126 में एक जोड़ देंगे, इसको इधर आके जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 127, ये इसका आंसर होगा। हमें 2 नंबर्स चाहिए होते हैं लेकिन यहाँ 3 है इसलिए एक कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें
125 का गुना 115 से करना है। तो ये 125 सौ से 25 अधिक है और 115 15 अधिक है। इस एंगल को लेंगे या इस एंगल को लेंगे, किसी भी एंगल को ले सकते हैं आपको जिसमें सुविधा हो। मैं इस एंगल को ले लेता हूँ, 125 धन 15 ये हो जाता है 140 और 25 का गुणा 15 से करेंगे तो ये आ जाता है 375। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स चाहिए। तो उसी प्रकार इसके पहले क्वेश्चन किए थे ठीक उसी प्रकार लास्ट के 2 नंबर्स ले लेते हैं। ये वाले 75 और 3 को कैरी कर लेते हैं, 140 और 3 कितना हो गया 43। इस प्रकार ये आंसर आ गया बिल्कुल फास्ट। अभी तक हमने 100 से अधिक वाले नंबर्स का गुणा किया, अगर हमसे 100 से कम वाले नंबर्स आ जाएं तो उसका भी गुणा करने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पर हमें 98 का गुणा 70 से करना है। तो देखिए 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, और 70 कितना कम है, 30 कम है। इसी प्रकार इस एंगल को ले लो या फिर इस एंगल को ले लो, किसी भी एंगल को, यहाँ पे हम 70 और 2 को ले लेते हैं। तो 70 में से 2 को घटा देंगे, और कम है तो घटाएंगे 100 से और ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 68। और क्या करेंगे आप, 30 का गुना 2 से कर लेंगे तो ये आ गया 60। ये आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमें 65 का गुणा 96 से करना है। तो देखिए 65 100 से कितना कम है, 35 कम है। उसी प्रकार 96 4 कम है, इस एंगल को ले लो या फिर इस एंगल को ले लो। तो देखिए एक 65 में से 4 गए कितने बचते हैं, 61 बचते हैं। अब 35 को गुणा 4 से कर लेंगे तो ये आ जाता है 140। हमें 2 नंबर चाहिए थे, यहाँ 3 नंबर हैं, इसलिए एक को कैरी कर लेंगे। तो देखिए लास्ट के 2 नंबर्स ले लेते हैं, 40 और 61 में एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 62। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 85 का गुणा 78 से करना है। तो देखते हैं, तो 85 100 से कितना कम है, 15 कम है। 78 100 से कितना कम है, 22 कम है। इस एंगल को ले लेते हैं या इस एंगल को ले लेते हैं। तो देखिए 78 में से 15 गए, माइनस करेंगे तो कितना बचता है 63। और अब 15 का गुणा 22 से करेंगे तो ये हो जाता है 330। लेकिन हमें तो 2 नंबर्स की ज़रूरत है, 3 नंबर्स हैं, तो एक को 3 को कैरी कर लेंगे, इधर जोड़ देंगे। तो लास्ट के 2 नंबर्स ले लेते हैं, तो 30 और 63 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 66। इस प्रकार ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप इस ट्रिक के माध्यम से 100 के आसपास के नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट आंसर आएगा, लगभग 2 से 3 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।